आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग जर्नी। मेरा आज सुबह क्या वेट था वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो मुझे अब हल्की हल्की ना भूख लगने लग गई है। अरे धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स चू करके खाएंगे। YouTube channel. How are you all doing? I hope everybody is good and great. If you are new here, then hi. I'm Shivani and I post videos related to challenges, weight loss and vlogs. So please subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग जर्नी। दिस इज डे नंबर 1 एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू फॉलो दिस जर्नी विद यू गाइज। सो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे फटाफट स्टार्ट करो। आज से स्टार्ट कर दिए फाइनली। मैं इंचेस लेना भूल गई। आई थिंक मैं अभी भी ले ही सकती हूँ बिकॉज मैंने खाया तो है नहीं। अरे जाया। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैं इंचेस अभी भी मेजर कर सकती हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि इट इज करेंटली 10:30 और मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो विंडो खोलूंगी वो खोलूंगी 12 बजे। मतलब मेरा जो ईटिंग विंडो होगा वो 12 to 8 होगा। तो सुबह सुबह 12 बजे तक सब साफ करके नहा धो के अच्छे से अपना दिन शुरू करेंगे, तो इसलिए मैंने 12 बजे टाइम रख लिया है। एंड अगर आप भी इंटरमीडियंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आपकी क्या ईटिंग विंडो है डू लेट मी नो। और आप 14:10 कर रहे हो, 12:12, 16:8 क्या कर रहे हो सब मुझे बता देना कमेंट करके। और अब मुझे ज़ारा बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जाती है कि मैं इसका ब्रश करूं। इट्स ब्रश टाइम ज़ारा का। जब इसको ब्रश करवाना होता ना ऐसे आके लेट जाती है। ऑल्सो अगर मैं अभी भूख का और यहाँ पे मैंने अभी मुंह धोया था तो टी शर्ट गीली हो गई है, प्लीज इग्नोर करना। हाँ तो अगर मैं भूख का अपडेट बताऊँ तो मुझे अब हल्की हल्की ना भूख लगने लग गई है। मतलब ऐसा वो खो पड़ती है ना, अगर आप पंजाबी हो गए तो आपको पता होगा हम बोलते हैं खो पड़ रही है। तो मुझे हल्का हल्का वो शुरू हो गया है पेट में ऐसा कि मुझे भूख लग रही है। बट मैं पीने वाली हूँ पानी, तो मैंने ये 1 लीटर वाली बॉटल फुल भर के रखी हुई है एंड इट इज करेंटली 11:10, आप पीछे देख सकते हो। सो मैंने पानी भर लिया अपना, मैं आराम से पानी पीती रहूंगी और 12 बजे तो वैसे ही हमारा शुरू हो जाएगा ईटिंग विंडो, तो तब खाएंगे हम। और तब तक एक्चुअली मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या खाना है और वही प्रिपेयर कर लेती हूँ तब तक। तो मैंने एक बड़ा सा रोटी बना लिया है, ये पतला सा ही है। इस पे मैंने देसी घी लगा के इसको थोड़ा सा सेक लिया दोनों तरफ से। ये रही मेरी ग्रीन चटनी, सो मैं इस पे लगाने वाली हूँ ये रोटी पे ग्रीन चटनी लगा लेंगे बेस पर अच्छे से। एंड ये रही मेरी सोया भुर्जी। ऑल्सो जो मेरा आटा है वो मल्टीग्रेन आटा है इसलिए थोड़ा ना टूट भी जाती है। यही अगर आप मैदे की रोटी इससे बनाओगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, बट एट दी एंड मैदा इतना हेल्दी नहीं है। सो इसलिए मैंने हेल्दी ऑप्शन के लिए मल्टीग्रेन, हम जो आटा यूज करते हैं मल्टीग्रेन आटा, वही मैंने यूज किया है तो इसलिए थोड़ा टूट रहा है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट ये हेल्दी है और बेटर ऑप्शन है। ओके गाइस, सो इट इज करेंटली 12:36 और मेरा एक्चुअली क्या हुआ ना, आज घर में पीछे आपको सीढ़ी भी दिख रही होगी, घर में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का काम था तो इलेक्ट्रीशियन भैया आए हुए थे एंड वो काम कर रहे थे तो इस वजह से ना कुछ घर की साफ सफाई हो पाई और मैं थोड़ा खाने में भी लेट हो गई और मुझे भयंकर भूख लग रही है। सो मैंने फटाफट से बना लिया सोया होल व्हीट रोल, यही बोल लेते हैं तो मैंने सोया रोल बना लिया। और हम लोग ना घर पे मल्टीग्रेन आटा यूज करते हैं तो पापा ना चक्की से ही मतलब खुद ही लेकर आते हैं मल्टीग्रेन आटा, उसमें 3-4-5 चीजें होती हैं, उसी को हम उसी आटे को यूज करते हैं। तो इसी वजह से ये आटा थोड़ा ऐसा वो स्टिफ भी होता है, मतलब टूट जाता है, तो अभी रोल बनाते टाइम भी टूट गया, मैंने आपको दिखाया होगा, बट इट्स ओके, ये हेल्दी ऑप्शन है तो इसी वजह से हम यही यूज करते हैं। बिकॉज पीछे ज़ारा, बिकॉज मेरे मम्मी पापा को शुगर भी है, दे आर डायबिटिक्स। पीछे ज़ारा बहुत शोर कर रही है तो अभी चलो ट्राई करते हैं कि कैसा बना है ये रोल। इट्स टेस्टी यम्मी, जो ग्रीन चटनी है वो इतनी यम बनी है, ग्रीन चटनी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत यम लग रहा है। अरे धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम्स चू करके खाएंगे। और ज़ारा जी बहुत शोर कर रही है, मैं अब इसे आराम से धीरे धीरे खाऊंगी और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये ज़ारा की बच्ची
बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, नहाओ या ना नहाओ पता ही नहीं चलता है, मतलब इतनी गर्मी, इतनी स्वेटिंग है ना। गुड़गांव में तो बहुत ह्यूमिडिटी और बहुत अभी तो फिलहाल तो बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है। और आप जहाँ रहते हो बताओ वहाँ पे कैसा वेदर है। ऑल्सो मैं रेडी हो गई हूँ, आई एम गोइंग आउट। तो अभी ना रक्षाबंधन आने वाला है, इट्स ऑन 22nd August। तो मेरे पास 2-3 दिन ही है कि मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ। पीछे ज़ारा आ गई। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा कुर्ती या ये सब देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इंडियन कुर्तीज नहीं है, एक दो कुर्ती ही हैं जो ढंग की हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा देख आती हूँ, अगर कुछ मिलेगा अच्छा तो ले लूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो पुराना पड़ा है वही पहन लूँगी। बट ठीक है, देखते हैं। और मेरे को एक दो टॉप भी देखने हैं बाहर के लिए, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ टी शर्ट्स बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टॉप्स, तो मुझे वो भी देखना है। एंड इट इज़ करेंटली 3:15, तो 3 बजे हैं और मुझे अभी ज़्यादा भूख लग नहीं रही है। बट मेरे पास भुना चना पड़ा है घर पे, पापा खाते रहते हैं मेरे, उनको बहुत पसंद है भुना चना, तो मैं वही अभी एक मुट्ठी लेकर निकल लूँगी क्योंकि भूख नहीं है ज़्यादा। तो चलते हैं और देखते हैं आज की जो हमारी शॉपिंग ट्रिप है वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। ऑल्सो हो सकता है मैं मामी से भी मिलूँ, तो देखते हैं जो भी होगा आई विल लेट यू गाइज नो। ओके दोस्तों, तो आई एम इन द ट्रायल रूम एंड मैं इतना कुछ ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन पसंद मुझे कुछ नहीं आ रहा। इस पे हल्का फुल्का है लेकिन ये बहुत लूज सा आ रहा है और इसमें एक साइज छोटा नहीं है। देन मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है, ये उल्टा है, आई एम सॉरी, हाई ये भी ऑप्शन है, ये मेरे को फिटिंग सही आई है इसकी और ऐसा इस पर डॉट्स हैं। रियली कन्फ्यूज क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। बट आज की शॉपिंग मुझे फ्लॉप होती हुई दिख गई बहुत अच्छे से। लेट्स सी, ये कुर्ता भी बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन बहुत ही अजीब सी फिटिंग आ रही है इसकी, मतलब कलर बहुत प्यारा था और सूट भी कर रहा है लेकिन फिटिंग अजीब सी आ रही है, इसलिए नहीं ले पाऊंगी। ओके गाइस, सो शॉपिंग तो शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई और हो क्या गई, मतलब जो मुझे एक दो चीज़ें दिखी मैंने वही लिए हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो शॉपिंग का तो मेरा आज फेल हो गया थोड़ा, इंडियन में मुझे कुछ जचा नहीं। और दूसरी बात ये कि अब हम कुछ खाने पीने बैठ रहे हैं तो मैंने कॉफ़ी ली है, हॉट कॉफ़ी, और मेरे साथ जो दो महिला हैं वो पी रही है कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम डलवा के मेरे सामने पियेंगी पर मैंने हॉट पी ली है और हॉट ले ली है और थक गए हैं। देखते हैं दोस्तों, कॉफ़ी आएगी तो मिलती हूँ आप लोगों से। पनीर सब्बे, ये बर्गर है मम्मी और मामी के लिए। हाँ करो करो। तो 7:51 हो चुके हैं और 8 बजे तक मेरे पास टाइम लिमिट है कि मैं खाना खा सकती हूँ, बिकॉज मैंने 12 बजे शुरू किया था। और डिनर में आज मैंने बनाया है थोड़ी सी सॉसेज वेजिटेबल्स एंड साथ में सब्जी है सोयाबीन आलू मटर की। तो बेसिकली घर पे बन रही थी आलू मटर की सब्जी, मैंने बीच में सोयाबीन भी डाल दिया क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने आलू नहीं लिया, मैंने सोयाबीन और मटर ले लिए। आलू मटर पापा मम्मी खाएंगे, मैंने सोयाबीन ले लिया और अब मैं मस्त अपना डिनर ख़त्म करने वाली हूँ। और आज का दिन काफ़ी सही गया बिकॉज आज तो पूरा दिन बाहर ही चला गया। और हाँ, मेरे को मेरा कुछ भी शॉपिंग ज़्यादा ढंग से हुई नहीं, सिर्फ एक टॉप मिला है वो मैं आपको कल दिखा दूंगी, नहीं तो जब मैं पहनूंगी तो मैं फोटो डाल दूंगी इंस्टाग्राम पे उसकी एंड आपको दिखा दूंगी। तो मैं बेसिकली गई थी स्पेंसर्स, हमारे गुड़गांव में एक मेगा सिटी मॉल है, वहाँ का जो स्पेंसर्स है ना वो बहुत ही बढ़िया है, उस पर आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। आजकल जो मैं ड्रेसेस लाई हूँ वो भी वहीं से ही लाई हूँ एक दो, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है वहाँ पे स्पेंसर्स। यूजुअली हमें लगता है कि ग्रोसरी के लिए सही है लेकिन वहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ वाले जो मैं मेगा सिटी वाला बता रही हूँ आपको। ऑल्सो मेरा पानी का इंटेक भी आज ठीक ही रहा है, ऑलमोस्ट 3 लीटर मेरे पूरे हो गए हैं। सो और बाकी का जो बचा है वो मैं पूरा कर ही लूँगी। तो बेसिकली आज 3 लीटर मैंने टारगेट रखा था और वो पूरा कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ मेरा वेट, क्योंकि आज सुबह मैंने जब वेट किया था उसके बाद मैंने आपको अब तक बताया नहीं है शायद।
तो मेरा आज सुबह जो वेट आया वो है 79.7 kg। तो बीच में मेरा वेट 76 भी हो गया था, लेकिन पास्ट मंथ में ना मेरा जो नी का मेडिसिन चल रहा था वो मेरे डॉक्टर ने मुझे दूसरा मेडिसिन दिया था जो कि काफी स्ट्रांग था, और इनफैक्ट अभी भी जो चल रहा है वो स्ट्रांग ही चल रही है। तो उसकी वजह से पहले तो वेट कम नहीं हो रहा था, एंड फिर जब मैंने वो मेडिसिन लेना शुरू किया तो वेट ही बढ़ने लग गया। और मैंने आपको जुलाई में भी बताया था, इसी वजह से मैं बहुत डीमोटिवेट फील कर रही थी क्योंकि खुद को ना बहुत भारी लगने लग जाता है, ब्लोटेड फील होने लग जाता है और बहुत डीमोटिवेटेड भी फील हो रहा था। बट नाउ आई एम अगेन वेरी मोटिवेटेड, टच वुड, और ऐसा ही मोटिवेशन बना रहे। आप लोग भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना ताकि वो देखकर मेरे को मोटिवेट और मैं होती रहूं। और मेजरमेंट्स मैंने आज सुबह नहीं लिए क्योंकि इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए थे और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, और फिर मैंने खाना ही खा लिया था तो फिर मैंने सोचा खाली पेट ही सुबह मेजरमेंट लूंगी, तो मैं कल मेजरमेंट ले लूंगी। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ भी शेयर करूं तो आई शेयर इट विद यू गाइस एज वेल, क्योंकि मैं हमेशा करती हूं, सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं कल पक्का लेकर आपको भी दिखा दूंगी कि कितनी मेजरमेंट है, मुझे बस ये कि इंचेस ना बढ़े हो, जो कि मुझे लग रहा है कि बढ़ गए हैं थोड़े बहुत। तो खुद को पता चल जाता है, खुद को भी फील होता है जब इंचेस बढ़ते हैं या वेट बढ़ता है, तो मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा हैवी हो रही हूं, बट कुछ कर नहीं सकते बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेडिसिंस। बट आई जस्ट होप कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरे लिए अच्छा काम करे। अपनी तरफ से मैं ट्राई करूंगी कि मैं हेल्दी ही खाना खाऊं। अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी आप रेगुलर वीडियोस देखते रहना बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करती रहूंगी। एंड आने वाले वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बिकॉज राखी आने वाली है और बर्थडे आने वाले हैं कितने लोगों के, मतलब बहुत फन होने वाला है, सो आप देखते रहना। इनफैक्ट सितंबर में मेरी मम्मा का भी बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है, और अभी मेरे एक फ्रेंड का भी अगस्त में बर्थडे है, सो इट्स गोना बी एक्साइटिंग। आप बने रहना। और आप लोगों का वेट लॉस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, डू लेट मी नो। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करने वाले हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता देना। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। और अभी अगर इसके बाद मैं कुछ खाऊंगी, मतलब खा तो सकते नहीं है, अगर इसके बाद मैं कुछ पीऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली गर्म पानी पी लूंगी अगर पीऊंगी तो, क्योंकि ग्रीन टी घर पे है नहीं, एंड आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट ड्रिंकिंग ग्रीन टी एज वेल, तो देखते हैं, ग्रीन टी भी लेकर आऊंगी कल। तो या आज का डे वन यही था और मुझे बड़ा मजा आया ये डे फॉलो करके। फिलहाल डिनर करती हूँ यार, 5 मिनट बचे, और कल से ट्राई करूंगी कि थोड़ा और जल्दी डिनर ले लूँ, 7:30 बजे तक अपने प्लेट रख लूँ अपने पास। सो चलो मैं अब आराम से डिनर करती हूँ और आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। और अब इतने छोटे बाल हो गए कि पोनी भी इतनी छोटी सी बनती है, बट ओके। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट डाउन बिलो आपका दिन कैसा गया एंड आपका वेट लॉस जर्नी क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मोटिवेशन बनी रहती है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, जो कि अब रोज आने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे एक और चीज में हेल्प करना कि आपको मेरी वीडियोस कितने बजे देखने का मन है, मतलब मुझे ये बताओ कि क्या मुझे वीडियो सुबह अपलोड करनी चाहिए या रात को, लाइक अराउंड 7 या फिर सुबह 12-1 बजे के अराउंड या 10 बजे के अराउंड, जो भी है आप मुझे बता सकते हो। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उसी टाइम पे अपलोड कर दिया करूंगी, नहीं तो फिर तो जो शाम को आती है वो आती रहेगी। तो अब चलो बाय बाय, टेक केयर, मिस मी, जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे मिस करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू, नाउ बाय, टेक केयर। हाय रब्बा, बहुत गर्मी है, टेस्ट करते हैं फिर, तो मैं उस रूम में ही जाऊंगी भैया, वहाँ ना एसी चल रहा होता है इसलिए मैं उस रूम में भाग जाती हूँ, बट फिलहाल के लिए बाय।